मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 2.2। ओके तो स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्या सीखा, तो मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रैक्टिस सेट 2.1 में सीखा टू लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। तो टू लाइन्स स्टूडेंट्स कैसे थे, वो पैरेलल नहीं थे। ओके कैसे भी मैंने दो लाइन्स बना दिए थे। ओके और उसको मैंने क्या बना दिया, ट्रांसवर्सल बना दिया, जो कि क्या कर रहा था ट्रांसवर्सल, उसको दो डिफरेंट पॉइंट पे ठीक है क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। ओके तो उसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे अभी प्रैक्टिस सेट 2.2 में टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये मैंने पैरेलल का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, तो टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पे, ये दो पैरेलल लाइंस हैं एल एम और ये एन, और एन जो है हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइन हम लोग उसको बोल सकते हैं लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड एन इज द ट्रांसवर्सल। मगर स्टूडेंट्स 2.1 में हमने क्या देखा था, सिर्फ ओनली टू लाइंस ड्रॉ किए थे हमने, ठीक है, जो कि लाइंस पैरेलल नहीं थे। ओके और उसका ट्रांसवर्सल था। मगर 2.2 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, दो पैरेलल लाइंस होंगे और उसकी का उसका क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। ओके तो उसके बेस पे हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम एंगल्स। ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट्स दो लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, लाइन पी क्यू लाइन आर एस। ओके और लाइन ए भी क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो लाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये प्रॉपर्टी जो अप्लाई जो होगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस में अप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस में अप्लाई होगा। ओके तो यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, लाइन जो पी क्यू है ये पैरेलल है लाइन आर एस के, एंड ए बी क्या है उसका ट्रांसवर्सल है, ए बी क्या है उसका ट्रांसवर्सल है। तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज दी है, ठीक है, ये कब अप्लाई होंगी, जब ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा, ये वाला कंडीशन। ओके जब दो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे और एक क्या होगा उसका ट्रांसवर्सल होगा, तब जाके ये कंडीशन जो मैंने लिखा है ये कंडीशन अप्लाई होगा। और मैंने ऑलरेडी आप लोग को जो पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स है और पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है, ये मैंने आप लोग को डिटेल में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है, ठीक है, इसको सीखने के लिए मैं आप लोग को एक बार फिर से आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ शॉर्ट में, मगर ठीक है, क्योंकि डिटेल में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट में आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना, जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो लाइन पी क्यू है ये पैरेलल किसके है, आर एस के। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का मतलब मैंने बताया है, ट्रांसवर्सल का मतलब भी मैंने बताया आप लोग को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और जो ए बी जो है उसका ट्रांसवर्सल जब बनता है ऐसा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस डायग्राम में कुछ एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कुछ एंगल्स को ऐड करने पे हमें 180 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे जो सम्स हैं हमारे बनते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, दो पेयर्स होते हैं, एंगल्स के दो पेयर्स होते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑन सेम साइड। ठीक है, सेम साइड मतलब ये स्टूडेंट ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा है राइट साइड। ओके, ये हमारा लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड। ठीक है, या तो दोनों भी एंगल सेम साइड में फॉर्म होंगे, ठीक है, या दोनों भी एंगल लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा या दोनों भी एंगल राइट साइड में फॉर्म होगा। और दूसरा जो कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारा ऑन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब या तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा एंगल हमारा या तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा एंगल। ओके तो स्टूडेंट देखते हैं, जब भी स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग, जब भी ये हमारा जो कंडीशन है फुलफिल होता है, तो उस टाइम पे जो हमारे जो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को वर्ड। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल।
जब इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं काम है दो पैरेलल लाइंस में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो उस टाइम पे वो दोनों पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमारा एंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम लोग फाइंड करेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो पहले आप लोग पता करो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, पहले हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड में। ओके पहले लेफ्ट साइड का दोनों के एंगल देखेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद राइट साइड का दोनों के एंगल देखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो पहला एंगल आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर ऐसे नीचे की तरफ जाओगे दूसरा एंगल आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एंगल का नाम क्या हमारा ए एम पी, मेजर एंगल AMP is congruent. Students, ये congruent का हमारा साइन है, ओके आप लोगों को ध्यान रखना है। मेजर एंगल MNR, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, AMP जो है वो congruent होगा किसके, मेजर एंगल MNR के। मतलब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दू, अगर समझो आप लोग को AMP जो एंगल AMP है ये दिया है 100 डिग्री, कितना दिया है 100 डिग्री, ठीक है। तो उतना ही डिग्री क्या होगा स्टूडेंट इसका भी होगा, मतलब हमारा जो एंगल एम एन आर जो है यहाँ पे जो एंगल बनेगा स्टूडेंट हमारा ये भी क्या होगा 100 डिग्री का ही होगा। और वो कौन सा प्रॉपर्टी से होगा, वो प्रॉपर्टी होगा प्रॉपर्टी ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग लेफ्ट साइड में अप से डाउन की तरफ गए, अब हम लोग लेफ्ट साइड में ही डाउन से अप की तरफ जाएंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स जब मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो पहला एंगल मुझे स्टूडेंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। पहला एंगल मुझे यहाँ मिला और दूसरा एंगल मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो पहला एंगल मुझे यहाँ पे मिला और दूसरा एंगल मुझे यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा एंगल है ये कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, ये है हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स एंगल आर एन बी, मेजर एंगल आर एन बी is congruent to major angle, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। रीजन प्रॉपर्टी ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। पी एम एन, ठीक है, पी एम एन ये एंगल हो गया हमारा, पी एम एन ये हो गया स्टूडेंट हमारा लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे राइट साइड में, ओके। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का दोनों भी कंप्लीट हो गया। राइट साइड में हम जाएंगे अप से डाउन की तरफ सेम साइड में, ठीक है। एंगल बनेगा दोनों भी सेम साइड में, ठीक है। अप से जाएंगे डाउन की तरफ ऐसे जाएंगे हम लोग, ओके। तो स्टूडेंट पहला एंगल हमारा यहाँ बनेगा, ओके। फिर नीचे जाएंगे हम लोग दूसरा एंगल हमारा यहाँ बनेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा एंगल क्या बन रहा है, ए एम क्यू, मेजर एंगल ए एम क्यू। ये स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट होगा किस एंगल के स्टूडेंट्स, एम एन एस के, मेजर एंगल एम एन एस के, ओके। तो ये हमारा अप से डाउन की तरफ हो गया। अब हम लोग जाएंगे डाउन से अप की तरफ, डाउन से जाएंगे अप की तरफ कहाँ पे, राइट साइड, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। पहला एंगल ये बनेगा और दूसरा एंगल यहाँ पे ये बनेगा, ओके। तो स्टूडेंट ये एंगल हमारा हो जाएगा एंगल एस एन बी, कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल क्यू एम एन। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये किस में फॉर्म हो रहे हैं, दो पैरेलल लाइन में, और क्या है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्सल। तो उस टाइप के स्टूडेंट्स जो है हमारा कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई होके ये जो एंगल्स बनेंगे फॉर्म होंगे ये हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको कोई बात याद रखना है कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट पेयर्स होते हैं, ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी एंगल फॉर्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग उन दोनों इंटीरियर एंगल्स को अगर प्लस कर देते हैं प्लस, ठीक है, तो उसका एडिशन कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन सेम साइड, ठीक है, एंड ऑन सेम साइड, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड में बनेगा या तो दोनों के एंगल राइट साइड में बनेगा, ठीक है। बिटवीन टू पैरेलल लाइंस मतलब क्या स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन के अंदर, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट देखो इन दोनों लाइंस के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, दोनों के एंगल लेफ्ट साइड में बनेगा या तो दोनों एंगल राइट साइड में बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बन रहा है लेफ्ट साइड में, ओके, पैरेलल लाइन के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल को एंगल्स को अगर आप लोग ऐड करोगे तो सम सम का मतलब होता है स्टूडेंट प्लस, ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल पी एम एन को मेजर एंगल पी एम एन को प्लस करता हूँ मेजर एंगल एम एन आर इस एंगल पे, ठीक है, मेजर एंगल एम एन आर, तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मेरा एंगल पी एम एन ये जो है, ठीक है, ये 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। तो स्टूडेंट मैं आपको पूछता हूँ मुझे एंगल एम एन आर फाइंड करना है, तो मेरा एंगल एम एन आर का वैल्यू कितना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स हमारा पी एम एन अगर 110 डिग्री होगा तो हमारा एम एन आर कितना होगा, 70 डिग्री। तब जाके अगर आप लोग 110 और 70 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर आ जाएगा, मेजर एंगल एम एन आर का आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने लेफ्ट साइड में देख लिया इंटीरियर एंगल, अब हमारा बाकी है कहाँ पे, राइट साइड में इंटीरियर एंगल, ओके। तो इंटीरियर एंगल का डेफिनेशन मैंने बताया आपको, ठीक है, पेयर्स ऑफ टू एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, एंड ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो राइट साइड में देखेंगे हम लोग, राइट साइड में बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइन के अंदर एक ही एंगल है और एक ही एंगल है, ओके, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल, और उसका मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारा एंगल क्यू एम एन जो है, मेजर एंगल क्यू एम एन ये इक्वल है किसके, मेजर एंगल एम एन एस के, सॉरी इक्वल नहीं, इसको ऐड करने पे स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, 180 डिग्री, एम एन एस को हम लोग ऐड करते हैं तो स्टूडेंट हमें मिलेगा कितना, 180 डिग्री, ओके। तो वो स्टूडेंट आप लोग समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग को ध्यान देना है, समझना है, उसके हिसाब से आपको क्या आ जाएगा, आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 आ सकता है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट अगर क्लियर है तो, ओके। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया है, ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म ऑन अपोजिट साइड्स एंड ऑन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, साइड भी क्या होता है, अपोजिट होता है, और डायरेक्शन भी क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो पेयर्स होते हैं अल्टरनेट एंगल के, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस में अगर वो फॉर्म होते हैं तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल, और इक्वल वर्ड का मैंने ज्योमेट्रिक लैंग्वेज बताया है आपको, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इक्वल वर्ड को हम लोग लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट वर्ड को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल, ओके। तो स्टूडेंट ध्यान दें हम लोग कि हमें कैसे पता करना है कि कौन सा हमारा अल्टरनेट एंगल है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं किसमें, पैरेलल लाइंस में, ठीक है। पैरेलल लाइंस में हमारे जितने भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले देखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दो पैरेलल लाइन के अंदर, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब मैंने बताया ना यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, और मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड मतलब
एक एंगल बनेगा हमारा लेफ्ट साइड में और एक एंगल बनेगा हमारा राइट साइड में, ठीक है, मगर अपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक एंगल हमें यहाँ की तरफ दिखाएगा एरो, तो दूसरा एंगल हमें यहाँ की तरफ दिखाएगा एरो, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल्स में, ठीक है। इंटीरियर एंगल मतलब बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट्स एक एंगल हमें यहाँ बन रहा है, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा ये तो हमारा बना एंगल कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। दूसरा एंगल भी बनेगा हमारा पैरेलल लाइन के अंदर, ठीक है, मगर राइट साइड में, ठीक है, वो डायरेक्शन दिखाएगा इसके अपोजिट में, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा ये एंगल बन गया, ठीक है, ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल्स। एक बना हमारा एंगल लेफ्ट साइड में, ठीक है, और एक एंगल बना हमारा राइट साइड में। और एरो आप लोग देख सकते हो, एक एरो अगर वहां पे दिखा रहा है, ठीक है, तो दूसरा एरो यहां पे जा रहा है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एंगल कौन सा है, एंगल PMN, मेजर एंगल PMN कॉन्ग्रूएंट टू मेजर एंगल, ठीक है। ये एंगल कौन सा है, MNS, मेजर एंगल MNS। स्टूडेंट्स उसी तरीके से हमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, ये दो फॉर्म होते हैं हमारे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से लेफ्ट साइड में यहाँ भी बना था एंगल, उस तरीके से लेफ्ट साइड में यहाँ भी बन सकता है एंगल, ठीक है, ये भी बन सकता है एंगल हमारा, ठीक है। ये एरो हमें दिखा रहा है यहाँ पे, ओके। तो राइट साइड में स्टूडेंट हमें कहाँ एंगल बनेगा, यहाँ पे, ओके। ये एरो हमें दिखाएगा यहाँ पे, तो एरो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एरो। और अपोजिट साइड में एक एंगल बन रहा है हमारा लेफ्ट साइड में और एक एंगल बन रहा है हमारा राइट साइड में। तो ये एंगल कौन सा स्टूडेंट हमारा, एंगल MAR, मेजर एंगल MNR कॉन्ग्रूएंट टू मेजर एंगल MMQ या QMN। QMN, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि नॉट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस के अंदर नहीं, दोनों भी एंगल बनेगा मगर कहां, पैरेलल लाइंस के बाहर बनेगा। एक बनेगा स्टूडेंट्स हमारा लेफ्ट साइड में एंगल और एक बनेगा स्टूडेंट हमारा राइट साइड में एंगल, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बाहर कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट्स, एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, पैरेलल लाइंस के बाहर, ठीक है, बाहर मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर मैं ये वाला एंगल अगर फॉर्म करता हूँ, ठीक है, ये एंगल हमारा कहाँ बना, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो दूसरा एंगल स्टूडेंट हमारा कहाँ बनेगा, राइट साइड में मगर अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमें डायरेक्शन दिखा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ओके। तो दूसरा स्टूडेंट हमारा जो एंगल जो बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाएगा हमें यहाँ पे, देख लो अपोजिट डायरेक्शन में, एक एरो वहाँ जा रहा है तो एक एरो यहाँ जा रहा है, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारा एंगल का नाम क्या है, एंगल AMP, मेजर एंगल AMP इज कॉन्ग्रूएंट टू मेजर एंगल, ये कौन सा एंगल स्टूडेंट्स, SNB, ठीक है, मेजर एंगल SNB, ओके स्टूडेंट्स। तो होप आपको समझ में आता होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब स्टूडेंट्स हमारा दूसरा एक्सटीरियर एंगल जो है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। जो दूसरा हमारा एक्सटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स, जो कि लेफ्ट साइड में है और पैरेलल लाइन के बाहर है, ठीक है, वो ये वाला एंगल है स्टूडेंट्स हमारा, ये हमें एरो यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। तो स्टूडेंट्स दूसरा जो हमारा एक्सटीरियर एंगल, ओके, जो पैरेलल लाइन के बाहर है और जो कि राइट साइड में, वो कौन सा है, ये वाला एंगल है, ओके, और ये हमें एरो दिखा रहा है यहाँ पे, देख लो अपोजिट में एरो है, अपोजिट डायरेक्शन में है एरो, ठीक है। और साइड भी किसका है, साइड भी क्या है, अपोजिट है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो एंगल होगा ये क्या होगा, कॉन्ग्रूएंट होगा। अगर ये एंगल हमारा 70 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, 70 डिग्री होगा। तो एंगल AMQ, मेजर एंगल AMQ, ये कॉन्ग्रूएंट होगा स्टूडेंट्स मेजर एंगल किसके, RNB के, मेजर एंगल RNB। तो स्टूडेंट्स
इस तरीके से हमें कंसेप्ट को समझना था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। और अगर आपको ये कंसेप्ट को समझ में आ चुका है, ठीक है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस 2.2 अगर ट्राई भी करते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है और किस तरीके से आप लोग को उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट यही था, ओके। तो ये कंसेप्ट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस 2.2 क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।